स्वाना राम चौधरी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन सूचना। बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 56,780 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या 32,73,600 से है, जिसमें 19 पंचायत समितियां हैं, 581 गांव ग्राम पंचायतें हैं और 3,298 राजस्व गांव है। क्षेत्र में 70% जनसंख्या दूर 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 बस्तियों में रहती है। यहाँ जीवन यापन करने का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन होने के कारण परंपरागत तौर पर कृषक एवं पशुपालकों का निवास पर्यावरण और मवेशियों के सहित अपने अपने खेतों में ही ढाणी में रखा जाता है। यहाँ ढाणियाँ पूर्णतः घास फूस एवं लकड़ियों से बनी होती है। क्षेत्र में आए दिन ढाणियों में आग लगने और आगजनी की कई जान माल की हानि होने की खबरें समाचार पत्रों कार्यकर्ताओं या आम जन सुनाई में आती है सामने आती है। जनता व पीड़ित द्वारा मुआवजे की मांग की जाती है। यहाँ ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थानीय किसान या मजदूर जो विकट और मरुस्थलीय भौगोलिक परिस्थितियों में संसाधनों की कमी, शिक्षा के अभाव या पिछड़े क्षेत्र होने के कारण यहाँ परंपरागत रीति रीति के कारण ढाणियाँ रहने को मजदूर है। बैंकिंग व अन्य आधुनिक सुविधाएँ की कुशदूर क्षेत्र से निवासियों की जिंदगी में कमाई पर झोपड़ियों में रहना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं आपत्तिक कारणों एवं गर्मियों के में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूरज की आग उगलने से इन ढाणियों के अवसर आगजनी में घटनाएं होती है। पानी की भयंकर कमी, दूरस्थ आवागमनों की साधनों की कमी एवं सड़कों के अभाव में अग्नि समान यात्रों का यहाँ तक पहुँचना असंभव होने के कारण सब कुछ स्वाह हो जाता है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र में ढाणियों के पिछले कुछ वर्षों में आग लगे घटनाओं का विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2009 में प्रकरण हुए 219 और राशि करीब 13,66,000 है। 2010 में प्रकरण हुए 642 और उसमें करीब 47,00,000 का नुकसान हुआ। 2011 में प्रकरण हुए 635 और उसमें करीब 32,00,000 का नुकसान हुआ। इसी तरह से 2012 में 632 प्रकरण हुए और 65,00,000 का नुकसान हुआ। इसी तरह 2013 में 690 हुआ और करीब 70,00,000 का नुकसान हुआ। इसी तरह 2014 में करीब 443 प्रकरण हुए, 45,00,000 का हुआ। उक्त आंकड़ों से मात्र बाड़मेर जिले के हैं, जैसलमेर जो भी मेरा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ भी हालात ऐसी है। इसके अलावा उसके पड़ोसी जिले हैं, जैसे जालौर है, पाली है, नागौर है, जोधपुर है, वहाँ पर भी इस तरह से आग की घटनाएँ होती रहती है। और यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 70% राहत सहायता के रूप में राष्ट्रीय राज्य आपदा कोष का माध्यम से दी जाने के वाली सहायता में दिसंबर 2012 में संशोधन किया गया, जिसमें नुकसान होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है। दिसंबर 2000 पहले करीब नुकसान होता था 25,000, उसका 70,000 किया, कच्चे मकान का सिर्फ 10,000 से 17,000 किया। तो मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राशि जो मिलती है